अचल मल्होत्रा साहब, भारत के स्टैंड को किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि सीधे सीधे हमने इसराइल का समर्थन नहीं किया है साफ तौर पर, ये तो माना ही जा सकता है। क्या इसके पीछे वजह एक ये भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम सीधे तौर पर इसराइल का समर्थन कर देंगे तो उधर पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा कि भैया पीओके पर फिर क्यों आप अपना दावा जताते हैं, उधर अक्साई चीन के लिए चीन सामने आ जाएगा। तो ये भी एक एक इसलिए बहुत सोचा समझा स्टैंड लिया है हमारी सरकार ने, भारत ने। जय समीर, देखिए भारत का जहां तक संबंध है, आज की तारीख में भारत के संबंध जो है दोनों अरब देशों के साथ और इसराइल दोनों के साथ बहुत ही अच्छे और सामान्य संबंध है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो भारत ने हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट किया है। आज भी हमने जो यूएन की जो मीटिंग हुई थी, ओपन मीटिंग, उसमें जो हमने स्टेटमेंट इशू करी, उसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने क्लियरली कहा है कि वी रिएटरेट अपनी जो हमारी सपोर्ट है टू नेशन स्टेट और पैलेस्टीन की जस्ट कॉज जो है उसको हम सपोर्ट करते हैं। हमने हमास, चूंकि हमास के साथ एक आतंकवादी टैग जुड़ा हुआ है, चूंकि हमास जो है मिलिट्री मीन से अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेना चाहता है, तो उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं। क्योंकि हमारी हमेशा से ये रही है अप्रोच कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं उन्हें डिप्लोमेटिकली और पीसफुली रिजॉल्व किया जाए, ना कि जो, तो हमें पैलेस्टीन की कॉज को तो हम सपोर्ट करते हैं लेकिन हमास के मोडियो ऑपरेंडिस को नहीं करते। तो इसके चलते हुए हमने जो अपनी स्टेटमेंट है उसमें क्लियरली हमास के रॉकेट अटैक को कंडेम किया है और जो इसराइल की एयर स्ट्राइक है उसको रिटेलिएटरी बताया। लेकिन साथ ही साथ में हमारी स्टेटमेंट में इसराइल के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। फॉर इंस्टेंस, हमने उनसे ये इनडायरेक्टली ये भी कहा है कि स्टेटस को बना रहना चाहिए, किसी भी किस्म की स्टेटस को में बदलाव नहीं आने चाहिए, चाहे वो जेरूसलम हो चाहे वो वेस्ट बैंक हो। तो एक बहुत ही बैलेंस स्टेटमेंट है, क्यों हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में अरब मुस्लिम सेंटिमेंट जो है वो पैलेस्टीन की फेवर में है और सब कोई चाहते हैं कि पैलेस्टीनियन स्टेट है, पैलेस्टीनियन का राइट टू इंडिपेंडेंट, इनको भी होमलैंड मिलना चाहिए। इस कॉज से कोई भी नकार नहीं सकता है, इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती है। सवाल यह है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये जो हमास ने जो रूट अपनाया उसको तो हम हमेशा से डिसअप्रूव करते हैं। सही बात है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो लिबरेशन स्ट्रगल है वो इस तरह से हो जिसमें कोलैटरल डैमेज हो। इतनी बड़ी कोलैटरल डैमेज हो रही है, आप दिखा ही रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो हमारा स्टैंड काफी बैलेंस्ड और क्लियर है, दोनों के लिए मैसेज है। इसीलिए इसराइल, शायद इसराइल हमारी स्टैंड से पूरी तरह से खुश नहीं है, क्योंकि 25 देशों का जो उन्होंने झंडा लगा के ट्वीट किया, जी हाँ। अगर भारत का नाम नहीं है तो जाहिर है कि भारत, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर फॉलोइंग, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ सकता। इसराइल हमारे बारे में क्या सोचता है इससे हमें क्या फर्क पड़ सकता है? जरूरी ये है कि भारत आज की तारीख में लोगों को ये बताया जाए, दुनिया को ये बताया जाए कि भारत हक के साथ खड़ा है, हक की बात कर रहा है। भारत यह चाहता है कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित हो, भारत यह चाहता है कि हिंसा बंद हो और जुल्म सितम का सिलसिला भी रुके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।